कर्मचारियों द्वारा लगातार की जा रही समान वेतन की सरकार के खिलाफ गले की फांस बनता जा रहा है। इसे लेकर कर्मचारियों के द्वारा आए दिन धरना प्रदर्शन करना आम बात हो गई है। इसी के चलते फिर बिजली कर्मचारियों ने एचपीसी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले निगम कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधीर अभिनेता को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कर्मचारियों को समान काम समान वेतन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं कच्चे कर्मचारियों को आज पक्का नहीं किया गया, यही कारण है कि कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाली 30 जनवरी को प्रदेश में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा और फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो 15 मार्च को पंचकुला में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। ये समान काम समान वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट का काफी दिन का फैसला है और सरकार इस मान नहीं रही, तो हमने कम से कम हर महीने 2-3 प्रोग्राम रखे हैं समान काम समान वेतन के लिए और ये काम पूरा इसी में समर्थन हमने ज्ञापन हम एस साहब को दिया। क्या कुछ मांगे हैं अब सरकार से आप? इसमें कच्चे कर्मचारी की मांगे पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, यही इनको मांगे हैं। वो पूरे हरियाणा के अंदर पूरा हरियाणा के अंदर चला हुआ है, क्योंकि सरकार इतनी झूठी सरकार है, वादे कर लेती है उसको लागू नहीं करती। और ये जो समान काम समान वेतन का जो आज का जो प्रोग्राम दिया है एचपीसी वर्कर यूनियन ने, वो पूरे हरियाणा पे आज चला हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है समान काम के लिए समान वेतन लागू करना, लेकिन हरियाणा सरकार इसको लागू नहीं कर रही और यूनियन इसी वजह से बार बार प्रोग्राम चला रही है और सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे भी आगामी प्रोग्राम 30 तारीख का जेल भरो आंदोलन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आंदोलन चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होते हैं प्रदेश की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।